एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम एंड आप चीकू को इधर देख सकते हो। मतलब मैं ब्लॉग स्टार्ट करते ही चीकू ने तो आना ही होता है मेरे ब्लॉग में। सो अभी मैं बना रही हूँ इवनिंग स्नैक, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने बनाए थे सांभर इडली। तो इडली जो है बच गए थे, लेफ्ट ओवर इडली से ही मैं जो है फ्राइड इडली बना रही हूँ इवनिंग स्नैक के लिए। तो मैंने इनको यहाँ पे जो छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। साथ ही मैं जो है बना रही हूँ कट कर रही हूँ वेजिटेबल्स। अच्छे से इनको फाइनली चॉप मैं कर लूँगी, कैप्सिकम, ग्रीन बीन्स, कैरेट एंड टोमेटो, बिकॉज इसमें हम ऑनियन तो डालेंगे नहीं। अदरवाइज आप ऑनियन एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट हाँ नवरात्रे चल रहे हैं बिकॉज, तो इस वजह से मैं इसमें ऑनियन नहीं डालूंगी। तो आप इनको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, एंड फाइनली चॉप करेंगे लंबा लंबा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बिकॉज वो क्रंचीनेस होती है सब्जियों की ना, वो काफ़ी अच्छी रहती है। एंड बीच बीच में चीकू इसलिए आ रही थी बिकॉज वो अपने डैडी की जो शिकायतें ले लेकर आ रही थी मेरे पास कि मामा डैडी मुझे कार्टून नहीं देखने दे रहे हैं, गेम नहीं खेलने दे रहे हैं। बिकॉज जब डैडी होते हैं घर पे इसके, मतलब मेरे हस्बैंड, तो वो यही कहते हैं कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है। मेरे साथ तो वो फिर फ़ोन यूज़ कर लेती है, बट जब उसके पापा होते हैं घर पे तो वो उसको बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करने देते हैं। बिकॉज आइस पे देखो गाइस, हम जो है दे तो देते हैं पर बच्चों की आइस पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं एक्चुअली जब भी देती हूँ उसको, जब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करना होता है वो मुझे करने नहीं देती है। तो यहाँ पे अब मैं जो है इन टमेटोज को भी अच्छे से कट कर लूँगी, आप देख सकते हो। आप चाहे तो इनको पेस्ट भी बना सकते हो, मतलब मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो, बट हाँ ये फाइनली चॉप मैंने कर दिया। सो यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स जो है अच्छे से चॉप हो गई हैं, एंड साथ ही ये इडली भी आप देख सकते हो। तो बस अब इसको मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। एंड गाइस ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एंड ये बहुत ईजी टू कुक है, एंड काफ़ी हेल्दी रहता है। जो बच्चे मतलब वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, आप ऐसे बनाओगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के, मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद कड़ी पत्ता डाला है, एंड वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, एंड मसाले नॉर्मल कॉमन जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी एंड धनिया पाउडर। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, बहुत रेयर ही डालती हूँ। सो बस अब इसको हम अच्छे से कुक कर देंगे। एंड चीकू को आप देख रहे होगे अभी भी, वो एक्चुअली ना व्लॉग में उसको आने का बड़ा ही शौक होता है, तो वो हे गाइज करती रहती है, बट ठीक है बच्चे हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ ही डाल रही हूँ सांभर मसाला, क्योंकि ये तो फ्राइड इडली में मस्ट इंग्रेडिएंट है, सो ये ज़रूर डालना। एंड साथ ही साथ गाइज मैं क्या करती हूँ, किचन को क्लीन करती रहती हूँ जिससे कि काम ना फैले। तो चाहे एक दो तीन बर्तन होते हैं भले मेड है, मैं साथ साथ जो है उनको वॉश करती रहती हूँ, जिससे कि किचन ना एक्चुअली फिर बहुत मतलब फैला फैला अच्छा नहीं लगता। किचन चाहिए होता है कि बिल्कुल क्लीन रहे एंड हाइजीन रहे। तो मैं साथ साथ जो है उसको स्लैब को भी क्लीन करती रहती हूँ, बर्तन क्लीन करती रहती हूँ, जो भी एक आधी हो जाते हैं एंड ज़्यादा होते हैं तो वो मेड करती करती है। सो यहाँ पर मैंने इसको लिड से कवर कर दिया था, एंड अब मैंने इसको जो है अच्छे से हिलाया, एंड देख सकते हो आप मेरी यहाँ पे फ्राइड इडली जो है बिल्कुल बनकर रेडी है। सो एंड साथ ही हो गया था, 4:15 हो गए थे करते करते मुझे ये बनाते बनाते ना, तो फिर मैंने सोचा कि चाय भी बना ही लेते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की इवनिंग एंड मॉर्निंग बिना चाय के तो अधूरी ही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं चाय बना रही हूँ, एंड प्लस जो है जब हस्बैंड होते हैं घर पे अपने छुट्टी वाले दिन ऑफिस की, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनके साथ इवनिंग का जो भी स्नैक है वो उनके साथ ही इंजॉय करूँ। तो इसलिए मैं चाय भी बना देती हूँ टाइम से, बिकॉज वो इवनिंग में फिर किसी ना किसी काम से निकल जाते हैं। एंड गाइस बताना कौन इस तरीके से जो है चम्मच से हिलाता है, मतलब फेंटता है चाय को, बिकॉज इससे क्या होता है काफ़ी डिलीशियस बनती है। सो यहाँ पर मेरे फ्राइड इडली, चाय एंड साथ में मैंने ये टोस्ट लिया है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। सो यहाँ पर फिर इवनिंग में हम लोग आ गए थे बाहर, थोड़ा सा सामान लेना था एक्चुअली, मार्केट आ गए थे। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, एंड मार्केट में काफ़ी रश था बिकॉज नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी भीड़ थी, बट हम इसलिए थोड़ा लेट गए थे। एंड जो है मैं यहाँ पे फ्रूट्स ना एक्चुअली वाटरमेलन कट करवा के देखी, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था मैंने कट नहीं करवाया था और बिल्कुल ही बेकार निकला था। गाइज मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग के बाद अब, एंड अब ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है, एंड टाइम कुछ हो रहा है 8:30 या 9 ही बज चुके होंगे आई थिंक। तो मैं बस अभी घर आई हूँ, मैं गई थी एक्चुअली मार्केट, कुछ एक मुझे चीकू का सामान खरीदना था और कुछ मुझे जो है एक दो चीज़ अपनी लेनी थी, एंड मुझे वेजिटेबल्स मतलब सब्जी और फ्रूट्स खरीदने थे बिकॉज सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी एंड फ्रूट्स
कि एक दो चीज़ों की डिमांड थी चीकू की कि मुझे वाटरमेलन खाना है और मैंगो खाना है, तो बच्चों की डिमांड्स तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये जो है सांभर गरम कर रही हूँ। मम्मी पापा खाना खा चुके हैं, मुझे भी ऐसे भूख नहीं है, एंड चीकू और उसके तावा खाएंगे खाना। तो बस पहले मास्क उतार, बेबी मास्क काट के आ जाओ यार मेरा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एंड अभी मैंने एक्चुअली एक सिली मिस्टेक करी थी, मैं बताती हूँ आपको। ये जो है इस प्लास्टिक के डब्बे को गैस पे रख दिया और मैं इसी में ही डायरेक्ट गैस के ऊपर सब्जी गर्म करने लगी, और लिटरली अगर मेरे हस्बैंड नहीं आते ना तो आज तो ही कांड हो जाता। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। मतलब तो मैं ये गोभी लेके आई हूँ, खीरा है, अदरक है, एंड ये टमाटर मैं ज़्यादा इसलिए लेके आई हूँ, ये कुछ 2-2.5 किलो है। एंड आप ये देख रहे होगे ये लिपस्टिक के स्वैश जो हैं, ये एक्चुअली मैं एक कलर लेकर आई हूँ लिपस्टिक का, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एंड ये मैंगोज़ हैं, ये एक्चुअली मैंने कट करवा के देखा था, तो ये मैंगो, ये पोटैटो भी ज़्यादा लिए हैं। एंड इस टमाटो इसलिए ज़्यादा लिए बिकॉज नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम प्याज ऑब्वियसली बहुत लोग हैं जो नहीं खाते इसमें। ये बैंगन एंड ये कच्ची अम्बियाँ, ये कोरिएंडर और ये वाटरमेलन। मैं थोड़ा सा आई हूँ क्योंकि बिकॉज जैसे कि सबको पता है मेनली जो है 4 अप्रैल से बच्चों की स्कूल जो है ओपन हो रहे हैं, एंड मेरा जो बच्चा है मतलब मेरी चीकू जो है वो फर्स्ट टाइम जाने वाली है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी है। तो मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले मैं अभी जो सामान लेकर आई हूँ मार्केट से उसके लिए क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं उसके लिए ये कुछ इनर्स लेके आई हूँ, ये आई थिंक 6 सेट है इनर्स का, एंड ये बूमर्स लेके आई हूँ क्योंकि उसके जो पुराने वाले थे वो काफ़ी ना मतलब ठीक नहीं थे एंड स्कूल के लिए, तो आई थॉट कि मैं जो है न्यू लेकर आ जाऊँ। एंड मैं अपने लिए लेकर आई हूँ देखिए वाइट कलर का नेल पेंट, देख सकते हो आप। एंड गाइस अभी ये देखो ये वाला जो मेरा नेल है ना ये टूट गया, मैं सब्जी रख रही थी और वो ना उसमें ड्रॉर में फंस गया। एंड एक मैं ये ग्लैम ब्यूटी 1 की लिपस्टिक लेकर आई हूँ, ये यही वाला शेड है पीच जो मैंने लगाया हुआ है। सो यार ये है वो सारा सामान। एंड अब मुझे जो है प्रिपरेशन करनी है इसके स्कूल की, इसमें मुझे सारा इसका सामान मैंने इसकी जो ये ड्रेस है स्कूल की यूनिफॉर्म, मेरे स्कूल से ना बाबा ड्रेस नहीं मिल जाता, ये यूनिफॉर्म जो है मैंने इसकी आयरन करवा के मंगवा ली है, आयरन ऊपर आ गई है। एंड बाकी मैंने जो है इसके स्कूल वालों ने बोला है कि बच्चे मतलब बच्चों की चीज़ें मिसप्लेस ना हो जाए, इसलिए उनके जो भी मतलब जैसे लंच बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल होगी, बैग हो गया, जितने भी उनके हैं मतलब उनके एसेंशियल्स जितने भी सामान हैं उन सब पे जो है, एंड पेंसिल बॉक्स हो गया सब पे उनका मतलब वो नेम लिखना है क्लास एंड सेक्शन। सो अभी मैं बस वही सब करने जा रही हूँ। तो सारा सामान जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है अब ये सारा सामान मैं अरेंज करूँगी। ये तो कुछ पहले वाले ज्योमेट्री बॉक्स हैं, पेंसिल बॉक्स, एंड इसका मैं इसमें रखूँगी सामान, क्रेयॉन्स वगैरह, पेंसिल जो है मैंने शार्प कर दिए बिकॉज शार्पनर अलाउ नहीं है स्कूल में। सो एंड ये है जो जिसपे इसके नेम क्लास एक्शन वगैरह लिखूँगी मैं बैग वगैरह पर। सो ये सब है, एक इसका ये मास्क एंड एक ये सैनिटाइज़र जो है इसके बैग में रखना है। तो बस सो गाइस अब मैं ना ज़्यादा और ब्लॉगिंग नहीं कर सकती बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे भी काफ़ी इसके सारी जो है इसका बैग पूरा प्रिपेयर करना है। सो या गाइस दिस वाज द ब्लॉग फॉर टुडे एंड आई होप कि आप लोगों ने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, एंड इन्जॉय किया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इसी के साथ मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।